हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न के बारे में। आज हम ये जानेंगे कि कुंभ लग्न में कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं, कौन कौन से ग्रह मारक होते हैं और कुंभ लग्न की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। कुंभ लग्न, जिस तरीके नाम से ही बहुत साफ है कि कुंभ लग्न मतलब कुंभ, एक कुंभ होगा, एक घड़ा होगा और एक घड़े के आकार का आपने चिन्ह देखा होगा जहाँ पे भी अगर कुंभ लग्न को हम दिखाते हैं। तो इसके स्वामी बनते हैं शनि, शनि देव, जो कि हमारे न्याय के देवता भी माने जाते हैं, वो इस लग्न के मालिक बनते हैं। शनि देव को दो राशियाँ प्राप्त हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं एक नंबर 11 लिखा हुआ है और एक नंबर 10 लिखा हुआ है। ये दोनों, ये शनि देव इन दोनों भाव के मालिक हैं। तो इस कुंडली में सबसे पहले जो कारक ग्रह बनते हैं वो बनते हैं शनि। क्यों? क्योंकि लग्न के मालिक हैं, क्योंकि कुंभ लग्न के मालिक शनि हैं। तो जो कुंभ लग्न के जातक होते हैं वो काफ़ी गंभीर होते हैं इन जनरल। अगर किसी और ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो उसका इम्पैक्ट भी आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये जानेंगे, देखेंगे कि कुंभ लग्न के जो जातक होते हैं वो काफ़ी गंभीर स्वभाव के होते हैं। दूसरों की सहायता करने में इनको बहुत आनंद आता है। जैसे कि कुंभ लग्न हमारी एक वायु तत्व की राशि है, तो ये एक स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और आप ये जान नहीं पाएंगे कि कुंभ लग्न के जो जातक होगा वो इतना कुछ कह सकते हैं कि वो एक इंट्रोवर्ट टाइप का होगा। हम जान नहीं सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उनको भांपना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनके एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि उनमें इंट्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। उन्हें आने वाले जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों का उन्हें आभास हो जाता है। तो कुंभ लग्न में लग्नेश बने शनि। इस लग्न में जो कारक ग्रह होते हैं, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कारक होंगे वो होंगे शनि, क्योंकि वो लग्नेश बनते हैं, 10, 12वें और पहले घर के स्वामी हैं। दूसरे घर के स्वामी होते हैं इसमें, जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, दूसरा घर है। दूसरे घर के स्वामी बनते हैं गुरु। गुरु भी इस कुंडली में बहुत कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि गुरु इस कुंडली में 11वां और दूसरा स्थान उनको मिला हुआ है, तो ये दोनों ही उनके कारक स्थान हैं, इसलिए इस कुंडली में बहुत ज़्यादा कारक माने जाते हैं। तीसरे इस कुंडली में शुक्र, सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह शनि के बाद अगर इस कुंडली में कोई बनते हैं तो शुक्र हैं, क्योंकि वो भाग्य और आपके लग्जरीज के मालिक हैं। इसके बाद बुध, बुध इस कुंडली में पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। जैसे कि अगर वो पंचम भाव के स्वामी हैं तो वो कारक माने जाते हैं बुध इस कुंडली में। मंगल, मंगल तीसरे और दसम भाव के स्वामी हैं और इस कुंडली में मंगल समग्रह माने जाते हैं। अगर उनकी प्लेसमेंट समग्रह मतलब अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी जगह हो गई तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे, अगर अच्छी जगह नहीं हुई तो फिर वो बुरा रिजल्ट देंगे। अब बात करते हैं इस कुंडली में अकारक ग्रह की, या फिर हम कह सकते हैं मारक ग्रह की। इस कुंडली में दो मारक ग्रह बनते हैं, पहला कि चंद्रमा, जो कि इस कुंडली में छठे भाव का स्वामी है, और सूर्य, जो कि सप्तम भाव का स्वामी है, जिसकी शत्रुता शनि के साथ बहुत ज़्यादा है। तो इस कुंडली में अगर हम देखें तो सिर्फ दो हमारे पास हैं जो ग्रह मारक हैं इस कुंडली में, और बाकी तो योग कारक ग्रह हैं सारे। लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है। मान लीजिए शनि अगर आज हम बात करेंगे शनि हर घर में क्या रिजल्ट देंगे। शनि अगर लग्न में बैठे हों तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लग्न का स्वामी अगर लग्न में हो तो इंसान बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है। क्यों? क्योंकि ये अपना घर है, अपने घर का कोई भी ग्रह नुकसान नहीं करता है। दूसरे घर में अगर शनि है तो यहाँ पे भी शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि तीसरे भाव में नीच के हो जाते हैं तो इस कुंडली में योग कारक होते हुए भी वो अपनी अंतरदशा हो, चाहे दशा हो, चाहे प्रति अंतरदशा हो, उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी देने वाले हैं। वो तीसरे भाव से रिलेशन में नहीं, वो पंचम भाव के रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट देंगे, सप्तम भाव के रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट देंगे। लग्न के स्वामी हैं तो आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब करेंगे। चौथे घर में शनि बहुत कारक माने जाएंगे, आपको लग्जरीज काफ़ी प्रोवाइड करवा देंगे,
और यहाँ से जो तीसरी दृष्टि डालेंगे छठे भाव के, आपके रोग नहीं होंगे, आपको रोग कम होंगे, आपके ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, इन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे हमेशा। और जो दृष्टि वो सप्तम, जो सप्तम दृष्टि डालेंगे आपके दसवें घर के, तो आपके प्रोफेशन को अच्छा बनाएंगे। पंचम भाव में भी शनि बहुत अच्छे माने जाएंगे, लेकिन पंचम भाव में क्या होगा, वो आपके लव अफेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आपको काफ़ी माइंडेड बनाएंगे, और आप ये कह सकते हैं आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत गजब की होगी। छठे भाव में अगर शनि आए यहाँ पे चंद्रमा के घर पे, तो ये बहुत ही मारक ग्रह बन जाएंगे आपके, आपको बहुत सारे रोग रोगों में आपका बहुत सारा पैसा बर्बाद होगा आपके। और जो यहाँ से तीसरी अष्टम भाव पे डालेंगे तो आपके ऑब्स्टेकल्स बढ़ेंगे। सप्तम भाव में शनि कारक तो होंगे, लेकिन आपकी मैरिज में डिले करेंगे, आपके लग्न पे अपने ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको बहुत माइंडेड बना देंगे, लेकिन आप थोड़े से हो सकता है कि कुछ जातक आलसी भी हो सकते हैं अगर शनि लग्न को देख रहे हो तो। अष्टम भाव में शनि बिल्कुल भी कारक नहीं माने जाएंगे, ऑल दो ये बहुत कारक ग्रह हैं इस कुंडली में, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में होने के कारण, क्योंकि मृत्यु स्थान है, अष्टम भाव में होने के कारण शनि बिल्कुल भी कारक नहीं माने जाएंगे। ये आपके ऑब्स्टेकल्स को बढ़ाएंगे, मेंटल टेंशन को बढ़ाएंगे, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और जो सबसे मेन चीज़ है इसमें कंसिडर करने वाली, कुछ पॉजिटिव पॉइंट ये रहेगा कि हाँ, ऑकल्ट साइंस में आपका ध्यान बहुत ज़्यादा होगा, गुप्त विद्याओं में आपका ध्यान बहुत ज़्यादा होगा, ये एक अच्छा पॉइंट रहेगा। उसके बाद नवम भाव में अगर शनि बैठे हों तो फिर ये तो आपके भाग्य को इतना बढ़ाएंगे कि आप बुलंदियों को छुएंगे। शनि दसम भाव में प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर देंगे, और आप इवन पॉसिबल है कि आप फॉरेन लैंड्स में भी जा सकते हैं अगर शनि दसम भाव में, तो जनरली इंजीनियरिंग सेक्टर, लोहा या फिर लोहे से रिलेटेड अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस या आप किसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा राइज मिलेगा। उसके बाद शनि अगर 11वें भाव में हो तो आपकी डिज़ायर्स बहुत जल्दी फुलफ़िल हो जाएंगी, ये फुल, और इनकम आपकी अच्छी रहेगी। शनि अगर 12वें घर में हो, होने को तो ये शनि का अपना घर है तो ज़्यादा नुकसान करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी 12वें भाव में होने के कारण ये आपको, पहली चीज़ तो है अगर शनि 12वें भाव में गए तो आप अपने घर से ज़्यादातर टाइम दूर रहेंगे, आपको जॉब या फिर किसी और चीज़ की वजह से आप हमेशा घर से दूर रहेंगे। यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे छठे भाव पे, आपके एक्सीडेंट्स और इन सब चीज़ों को ये बहुत ही कम कर देंगे, एक्सीडेंट से आप बचे रहेंगे, रोगों को आपके कम करेंगे, लेकिन स्ट्रेस देंगे, बेड प्लेजर्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो ये सब था शनि अगर हमारे 12वें भाव में हो। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना नाम पोस्ट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ। सो थैंक यू, और अगला वीडियो मैं जो बनाऊँगा वो भी कुंभ लग्न पे ही होगा, ये पूरी एक सीरीज़ है जिसमें मैं सारे प्लैनेट्स को डिस्कस करूँगा कुंभ लग्न में, और हर घर में वो क्या रिजल्ट देंगे। अगर एडिशनल कोई क्वेरीज है आपकी तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।